नमस्कार, आईडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्विन निषाद, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला क्षेत्र के सादी मंदनपुर गांव से बड़ी खबर, जहां उल्टी दस्त की बीमारी से सैकड़ों बच्चे बीमार हुए और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं गाँव में आ रहा सप्लाई का गंदा पानी, जिससे गाँव वालों की शंका पानी पर गई। जल विभाग के ऑपरेटरों और कर्मचारियों ने सप्लाई की लीकेज को ढूंढ निकाला और खुदाई शुरू की, जहां खुदाई करते समय पानी की मेन लाइन एक चबूतरे के ऊपर गड़े बिजली के खंभे के नीचे निकली, जिसे खोदने पर बिजली की लाइन बाधित होने की शंका दिखी। बिजली का खंभा हटाए बगैर लाइन रिपेयर नहीं हो सकती। तत्पश्चात इस समस्या की जानकारी पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम भाजपा को दी गई। उन्होंने बिजली विभाग और जल विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और बिजली विभाग जल विभाग की टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग की टीम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली के खंभे को स्थानांतरित कर पानी की लाइन को रिपेयर कराया जाएगा। आगे आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यहाँ हमने जब इनसे बात की टंकी वालों से, उन्होंने कहा कि जो लाइन है, पाइप लाइन है, शायद ये खंभे के नीचे होने की शंका है, ये है, इसलिए सर ये रोक दिए गई है खुदाई। पोल हट करके पोल दूसरी जगह लग जाएगा, पाइपलाइन आपकी सही हो जाएगी जी, पर नाली में नहीं, ये आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ये विद्युत विभाग के जी साहब भी हैं जी, जल संस्थान के भी हैं और आपकी समस्या सुनी गई है, सब लोग आ गए हैं और यहाँ ये पोल जो लगा है इसको हटा करके इस जगह कहीं डाला जाएगा, क्योंकि नीचे पाइपलाइन है, अगर इसको और कहीं करते हैं तो वो पाइपलाइन आपकी पानी टंकी की है मदनपुर की। हमारे न्यूज चैनल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम, बिजली विभाग की टीम, जल विभाग की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी आवाज़ उन तक पहुंची। उम्मीद करता हूं कि आज की ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगे तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।